जामिया में सभी को मार्कशीट अपलोड करने हैं और उसका ऑप्शन अभी इनेबल हो गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में ए टू जेड आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे अपना मार्कशीट जामिया मिलिया इस्लामिया के वेबसाइट पे अपलोड करना है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि अभी तक कितने नोटिस आ गए एक्सटेंशन का, अभी भी फॉर्म का लास्ट डेट है 14 सितंबर। 14 सितंबर तक जामिया मिलिया इस्लामिया के सारे कोर्सेज के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, स्कूल का भी, कॉलेज का भी, जो आईएएस का फ्री कोचिंग होता है उसका भी है, और इसके अलावा जो फॉरेन नेशनल्स हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, एनआरआई स्टूडेंट्स हैं, वो भी अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया का स्कूल से लेके यानी फर्स्ट क्लास से लेके पीएचडी तक का अभी फॉर्म निकला हुआ, आप अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया कि लास्ट डेट कब तक है, 14 सितंबर। तो दोस्तों मार्कशीट सभी को अपलोड करना है, चाहे वो किसी भी कोर्स का हो, उसका ऑप्शन आ गया है। तो दोस्तों कैसे आपको अपलोड करना है, JMICOIN पे जाना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, डायरेक्ट आप चले जाइएगा JMICOIN पे और स्क्रॉल करके नीचे आइएगा। मैं आपको कॉलेज वाला बता रहा हूं, देखिए यहां कॉलेज का देखिए, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर एमफिल पीएचडी यूजी पीजी बीटेक बीआर डिप्लोमा एडीपी पीजीटी सीआर सेशन 2020-21। तो यहां पे आपको क्लिक करनी है, क्लिक करके जैसे आपने अप्लाई किया था वैसे ही करनी है, आपको साइन इन पे करना है। साइन इन करके आपको ईमेल एड्रेस डालना है, ईमेल एड्रेस के बाद आपको पासवर्ड डाल लेनी है। पासवर्ड आराम से डालिएगा, कोई जल्दी नहीं है, आपके पास पूरा टाइम है, 14 सितंबर बहुत टाइम है, अभी तो ये अगस्त चल रहा है। आपका ये ओपन हो जाएगा, आप जाइएगा होम पे, होम पे जाके आप देख सकते हैं माय एप्लीकेशन पे जाइएगा। माय एप्लीकेशन पे जाएंगे तो देखिए यहां एडिट एंड व्यू का ऑप्शन आ रहा है, यहां व्यू का, ठीक है। तो आप ये जो पेंसिल वाला है ना, ये जिसमें पेन लिखा हुआ है उस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे एक कोर्स का, जैसे ये हमारे अक्रम भाई है, इन्होंने 4 कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रखा है, तो मैं एक किसी कोर्स पे आपको मार्कशीट अपलोड करके दिखाता हूं। यहां पे जैसे आपने अगर एक किया होगा तो एक ही आ रहा होगा, अगर किसी ने 2, 3, 4, 5 कोर्स किए होंगे ना, सारे कोर्स में आपको मार्कशीट अपलोड करना होगा। देखिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सारे में करना होगा। देखिए मैं एक करके बताता हूं, यहां पे एडिट पे जाना है, एडिट पे जाके आप देखिए एकेडमिक डिटेल्स में सबसे पहले आएगा एप्लीकेशन स्टेप, फिर आप एकेडमिक डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो एकेडमिक डिटेल्स आ जाएंगे जो आपने फिल किया था। उसके बाद डॉक्यूमेंट डिटेल्स, डॉक्यूमेंट डिटेल्स देखिए अपलोडेड नहीं है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आप यहां से चूज करना है, चूज फाइल, जहां भी आपने डॉक्यूमेंट रखा है। जैसे मैंने मान लिया ये 10th का मुझे अपलोड करना है, यहां पे 12th का अपलोड करना था, 12th पे क्लिक किया, ये आया, ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद देखिए ये कह रहा है कि आपका जो फाइल है 200 KB से ज्यादा है, तो 200 KB से ज्यादा है तो ये कह रहा है कि क्लिक अनदर फाइल, क्या इससे कम वाला या ऑटो रिसाइज का। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां कंटिन्यू कर देना, ऑटो रिसाइज हो जाएगा। जैसे ऑटो रिसाइज हो जाएगा उसके बाद आप रेफरेंस लिख देंगे, रेफरेंस कहां से मिलेगा मैं आपको बता दे रहा हूं, रेफरेंस वहां से मिलेगा जैसे आपका ये मार्कशीट है, इस मार्कशीट में यहां नंबर होता है, इंडेक्स नंबर होता है, हर सर्टिफिकेट का नंबर होता है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। तो ये जो सर्टिफिकेट नंबर है जैसे 104217, यही आपको यहां रेफरेंस नंबर डालना है। मैं रेफरेंस नंबर डाल रहा हूं, आप अपना मार्कशीट का रेफरेंस नंबर कहीं नोट करके लिख लीजिएगा, फिर वहां पे डाल दीजिएगा। एक डिजिट पहले के छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लास्ट वाला डिजिट रहना चाहिए, जिससे वो सर्टिफिकेट का चेक हो सके कि जो आपने सर्टिफिकेट अपलोड किया है वो सही में ओरिजिनल है कि नहीं। कोई भी मार्कशीट जो चेक होता है वो आपके रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर से नहीं, ये नंबर से चेक होता है, क्योंकि जैसे आप कहीं बिल लेते हैं तो बिल में भी नंबर डाला होता है 1, 2, 3, 4, 5, तो इस सीरियल नंबर से चेक हो जाएगा ये मार्कशीट। हमेशा कोई भी मार्कशीट इस सीरियल नंबर से चेक होता है, ये जो नंबर है वही आपका रेफरेंस नंबर है, ये रेफरेंस नंबर इस पे डाल दीजिए, फिर अपलोड कर दीजिए। जैसे अपलोड कीजिएगा अपलोड हो जाएगा, डॉक्यूमेंट देखिए लिख के आ जाएगा कि डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली। अब जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है यहां पे क्लिक किया प्रीव्यू करके देख सकते हैं कि जो आपने डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने ये डॉक्यूमेंट अपलोड किया है तो यही है ना, इसके मतलब यही है। यहां ओके कर दीजिएगा और ओके करने के बाद आप सेव एंड प्रोसीड कर दीजिएगा, उसके बाद आपको रिव्यू एंड कंफर्म करना होगा। तो आपका इसमें पूरा डिटेल्स आ जाएगा कि मार्कशीट आपने अपलोड किया है कि नहीं। तो आपको सिंपल सा तरीका मैंने बता दिया कि पहले आप माई एप्लीकेशन में जाना है, माई एप्लीकेशन में जिस कोर्स का आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, मार्कशीट हर कोर्स का करना है। अगर आपने 4 अप्लाई किया है तो 4 पे करना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए 4 को क्यों करना है, जैसे इन्होंने डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई किया है तो ये 10वीं के बेसिस पे होता है, तो इनको 10वीं का मार्कशीट यहां पर देना होगा। इन्होंने बीएससी एरोनॉटिक्स के लिए अप्लाई किया है तो यहां पर 12वीं का मार्कशीट देना होगा। कहीं ऐसा भी हो सकता है जहां ग्रेजुएशन के बाद हो तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट देना होगा। मतलब जिस कोर्स के बेसिस पे आप नेक्स्ट कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं, यानी आपका क्वालिफाइंग जो कोर्स है, जैसे डिप्लोमा इंजीनियरिंग वालों का 10वीं का जरूरी है, 12वीं का नहीं है, कान खोल के सुन लीजिएगा, डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए आपके 10वीं का मार्कशीट जरूरी है, और जो बीएससी या बैचलर कोर्सेज है उसमें 12वीं का जरूरी है। जो लोग मास्टर कोर्स के लिए अप्लाई किए हैं उनके लिए ग्रेजुएशन का जरूरी है, जो एमफिल पीएचडी के लिए अप्लाई किए हैं उनको मास्टर डिग्री की जरूरत है। तो ऐसे आप करके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन रहा क्या मार्क्स के बेसिस पे इस साल जामिया में एडमिशन होगा, तो देखिए भैया जब तक कोई नोटिस नहीं आती है तब तक ऐसे बता देना फेक एंड फर्जी होता है।
जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आती, ऑफिशियल नोटिस आने दीजिए, अभी वेट कीजिए, जेई मेन और नीट का एग्जाम होने दीजिए, उसके बाद आपका भी एग्जाम हो सकता है। अगर जेई नीट का एग्जाम नहीं हुआ तो आपका भी नहीं होगा, ये साफ सुथरा सुन लीजिएगा। लेकिन अभी बीएचयू के एग्जाम हो रहे हैं तो इसके मतलब ये होगा कि अलीगढ़, जामिया और डीयू का एग्जाम तो बिल्कुल होगा ही होगा। 10-15 दिन में आपका बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा, क्योंकि डीयू का जो एडमिशन होने वाले हैं, बीएचयू के एडमिशन होने वाले हैं, वो सितंबर के फर्स्ट वीक में बहुत सारे शेड्यूल्स हैं। तो जैसे सितंबर फर्स्ट वीक गुजरेगा यानी 7 सितंबर तक, उसके बाद सारे दूध का दूध पानी के पानी हो जाएगा, सब चीज क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही यूजफुल हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को फैमिली मेंबर्स को फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, और एक पुण्य और नेकी का काम कीजिएगा, अच्छाइयों को फैलाइएगा, बुराइयों को कम कीजिएगा, और ऐसे अपना एजुकेशन और नॉलेज को बढ़ाते रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और अगर समझ में नहीं आए तो रिपीट करके एक बार और देख लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, हमारे ज्ञान के फिर मिलेंगे, चलते चलते तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय जामिया।